अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, और सब कैसे हैं? मेरे ख्याल से सब बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा, एक बहुत बड़ी गाड़ी है जो बहुत महंगी भी है, जेनेसिस सऊदी अरब में कैसा दिखता है, कितनी बड़ी गाड़ी होता है और कैसा क्या सिस्टम है, कहाँ है। तो मैं आपको ये गाड़ी दिखाता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो भाई लोग लाइक करना, क्योंकि मैं सऊदी का ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ डेली का डेली। उसके बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं तेज़ी में दिखाता हूँ आप लोग को। चलो ये बाहर का लुक है, बाहर को लुक आपको दिखा सकते हैं। देखिए अगर देखिए कितनी जबरदस्त है, देखिए जेनेसिस है आपको। देखिए सबसे पहले आप गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी में बैठने के बाद ये वाला स्विच यहाँ दबाना पड़ेगा, क्योंकि ये चाबी है। देखिए अब नया ड्राइवर आप आएंगे यहाँ सऊदी अरब तो बोलेंगे ये चाबी लगता कहाँ है आखिर, तो ये चाबी लगता नहीं है। दरअसल इसमें एक खूबी और भी है, देखिए यहाँ ऐसे बटन दबाएंगे, देखिए ये सेटर खोलने लगा, ठीक है। देखिए ये भी शीशा भी ऊपर भागने लगा। तो चलो अभी बहुत गर्मी है बाहर, मैं इसको बंद कर देता हूँ। देखिए तो ऑटोमेटिक बंद हो रहा है, शीशा बंद हो गया। उसके बाद आप मैं और इसको बंद कर देता हूँ, बंद हो गया ऑटोमेटिक। आप देखिए पीछे का लुक देख सकते हैं कुर्सी का, देखिए ये यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ GPS है, यहाँ GPS लगा के आप घूम सकते हैं। ये रेडियो है, देखिए यहाँ AC बढ़ाने घटाने का है, ऐसा रहेगा बड़ा बड़ा गाड़ी में। उसके बाद आपको स्टार्ट करने का मैं तो पहले ही बता दिया, देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये चाबी लगाने वाला सिस्टम है नहीं, चाबी नहीं लगा सकते हैं, ये इंडिया जैसे नहीं है। और चाबी देखिए, चाबी ऐसा होता है यहाँ का, देखें बहुत मज़ा आया। चलो तो आपको तो चाबी ले लिया, उसका यहाँ बटन है, यहाँ दबा दिए स्टार्ट स्टॉप लिखा हुआ है, इसमें स्टार्ट कर दिए। स्टार्ट करने के बाद उसको आपको करना है, उसके बाद यहाँ से सीट एडजस्ट, सीट एडजस्ट का बटन है, यहाँ आगे कर दिए, उसके बाद यहाँ सीधा कर दिए कुर्सी को, यहाँ ऐसे कर दिए, उसके बाद यहाँ से ऊपर नीचे कर दिए, ऊपर नीचे करने वाला है। उसके बाद दूसरा काम करना क्या है, ये तो कर दिए, उसके बाद दूसरा काम करना है आपको सीट बेल्ट लगाना है, आपको ऐसे सीट बेल्ट लगाना है। सीट बेल्ट लगाने के बाद गाड़ी चालू हो गई, सीट बेल्ट भी लगा दिया, उसके बाद धीरे धीरे आपको ब्रेक में यहाँ पैर डालना है। पैर डालने के बाद यहाँ गियर है, देखिए आप देख सकते हैं गियर, रिवर्स न्यूट्रल डायरेक्ट, यहाँ डी में डालेंगे तो डायरेक्ट जाएगा, एन से न्यूट्रल, आर से रिवर्स, बस यही रहता है। और यहाँ पी से पार्किंग है, अभी गर्मी की वजह से दिखाई नहीं दे रहा इतना। उसके बाद देखिए आप फीचर देख सकते हैं, ये गाड़ी की खूबी देखिए, देखिए आप, आपके सामने गाड़ी चला रहा हूँ, देखिए उधर का गाँव मोहल्ला आ गया, देखिए अभी हम गांव में आ गए हैं, गांव में घूमते हैं, गांव ऐसा होता है, मोहल्ला ऐसा होता है सऊदी में, देखिए। तो कोई घबराने की, अगर मैडम के पास अगर गाड़ी आपको मिल जाएगी जेनेसिस या फिर बड़ा गाड़ी होता है, एक ताहू होता है GMC का, अभी गांव में चला रहा हूं, तो गांव में आराम से चलना पड़ेगा, क्योंकि गाँव में ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी चलाना अलाउ नहीं है यहाँ सऊदी में। देखिए कितनी स्पीड में मैं जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। चलिए आपको बाइक भी ऐसे से कर सकते हैं धीरे धीरे, जैसे मैं यहाँ गाड़ी को पार्किंग में ला के लगाया, देखिए पीछे कैमरा है, कैमरा में देख सकते हैं, देखिए ऐसे दोनों साइड में ऐसे, देखिए देखो पीछे लगा चला गया, अब आ रहा है धंडी। देखिए गाड़ी को चला भी लिया और ला के इधर मैं आप पार्किंग कर दिया, देखिए अंदर से देख सकते हैं, और गाड़ी को पार्किंग कर दिया। और भाई लोग वीडियो कैसा लगता है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और जो जो मेरे चैनल को नया है तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों तक शेयर कीजिए, जो सऊदी अरब आना चाहता है वह ऐसे वीडियो देख के कुछ ना कुछ मालूमात करते रहेगा। ओके खुदा हाफिज़।